दोस्तों ये है महिंद्रा XUV 500। और दोस्तों ये कार जो है डीजल कार है और ये कार हमारे पास में आई है उत्तराखंड हरिद्वार से। तो इस कार का आज हम करने वाले हैं फ्रंट और रियर सस्पेंशन ओवरऑल, क्योंकि इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ, ये इसका फ्रंट शॉकर है और ये काफ़ी लीकेज हो चुका है इसका आप देख सकते हैं, इसका ऑयल जो है काफ़ी बाहर आ रहा है इसका। तो इसके जो शॉकर में जो प्रेशर होता है वो प्रेशर सारा निकल गया, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर काफ़ी सारी खटर पटर की आवाज़ें भी हैं। तो ये सभी हम इस सस्पेंशन के सभी पार्ट खोलेंगे और सभी पार्ट खोलकर बाहर निकालेंगे और जो जो पार्ट ख़राब है सभी रिप्लेस करेंगे, बाकी जो पार्ट इसमें सही निकलेगा वो हम वही लगा देंगे। तो अभी हम दिखा रहे हैं इसका राइट साइड का जो शॉकर है वो थोड़ा ठीक है उस वाले के मुकाबले, लेफ्ट वाले के मुकाबले, लेकिन कमज़ोर ये भी है। हम दोनों ही शॉकर चेंज करेंगे और इसके जो सस्पेंशन के जो भी पार्ट और ख़राब हैं वो सभी पार्ट हम चेंज करेंगे। तो ये कार जो है दोस्तों हमारे पास उत्तराखंड हरिद्वार से आई है, करीब हमारे यहाँ से 280 किलोमीटर दूर से। और ये रहा इसका बैलेंस रॉड का बुश, आप देख सकते हैं इसका बैलेंस रॉड का बुश का जो क्लिप है उसमें और बुश में कितना गैप है। तो ये भी एक रीज़न था, जो आवाज़ें जो जब ख़राब रोड पर चल रही थी तो खटर पटर की जो आवाज़ें इसमें आ रही थी वो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। तो ये सभी पार्ट अभी हम खोलकर बाहर निकालेंगे और दिखाएंगे इसमें कौन कौन सा पार्ट ख़राब हुआ है और कौन कौन सा पार्ट हमें इसमें बदलना है। तो दोस्तों ये इसका लोअर आर्म है और लोअर आर्म का ये व्हील जॉइंट आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, खटर 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 खटर। तो ये पार्ट, ये हम व्हील जॉइंट भी चेंज करेंगे। और दोस्तों इसकी फ्रंट जो ब्रेक डिस्क प्लेट हैं, डिस्क रोटर डिस्क जो हैं, ये भी ख़राब हो चुकी हैं। ख़राब बोले तो कैसा है, इस पर लाइनिंग बन गई है काफ़ी, और लाइनिंग बनने की वजह से ये बाहर, ये आप देख सकते हैं इधर ठोकर बन गई है ये। तो डिस्क पैड जो हैं इन लाइनिंग की वजह से इस पर प्रॉपर पकड़ नहीं आ रही है, क्योंकि ऊंची नीची लाइनिंग है और डिस्क पैड जो हैं उन पर भी ऊंची नीची डिज़ाइन बन गए हैं, जिसकी वजह से ब्रेक पैडल पे ब्रेक दबाने पे, ब्रेक प्रेस करने पे पैडल इस पर पूरी तरह से पकड़ नहीं आ रही है। तो इसको हम फ्रेश कराएंगे, खराब मशीन पर भेजकर इसको जो है हम इसका काम करा कर इसको फ्रेश करा देंगे। और डिस्क जो ब्रेक पैड जो हैं इसके ठीक हैं और इसकी ये लिंक रॉड हम चेंज करेंगे, एंड जो है इसके ये बिल्कुल सही है तो एंड हम पुराने ही लगाएंगे इसमें। और ये रहे इसके ब्रेक पैड, ब्रेक पैड इसके महिंद्रा के ओरिजिनल हैं, तो ये ब्रेक पैड और पूरा पूरा माल है इन पे, क्योंकि अभी बिल्कुल भी नहीं ख़राब नहीं हुए हैं, जल्दी में ही पड़े थे ये। तो इनको हम घिसकर रेगमाल से, पॉलिश पेपर से घिसकर इसको एक सा कर देंगे और ब्रेक पैड यही लगा देंगे। और शॉकर आप देख सकते हैं हमने खोल कर बाहर निकाल दिए हैं। और इसके जो लोअर आर्म है, लोअर आर्म के ये बुश जो हैं बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल भी इनमें कुछ भी नहीं बिगड़ा इनमें, तो बुश हम यही लगाएंगे, बुशों को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि बुश जो हैं बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में हैं। और इस वाले लोअर आर्म में ये वाला बुश भी जो है, ये वाला बुश भी बिल्कुल ठीक है, तो दोनों बुश हम यही लगाएंगे। और इसका जो बील जॉइंट है, बील जॉइंट इस वाले लोअर आर्म का बिल्कुल ठीक है, तो बील जॉइंट भी हम इसका यही लगाएंगे। दिखा दें आपको ये वाला बील जॉइंट जो है दोस्तों बिल्कुल फिक्स है, बिल्कुल टाइट है ये, तो इस वाले बील जॉइंट को भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो इस चिमटे के अंदर यानी जो बुश बील जॉइंट हैं ये वाले हम यही लगाएंगे। और दोस्तों अभी हमने शॉकर को खोलकर बाहर निकाल लिया है पुराने वाले को, तो आपको दिखा दें कि इसमें कमी कैसे पता लगती है। अभी शॉकर को हमने पूरा अंदर प्रेस कर दिया, दबा दिया इसको, और ये छोड़ने पर तीन सेकंड में और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेकंड में पूरा बाहर आना चाहिए। पर आप देखिए इसको कंटिन्यू, इसमें 10 सेकंड 20 सेकंड होने के बाद में भी पूरी तरह से बाहर ये शॉकर की रॉड जो है बाहर को नहीं आ रही है, क्योंकि इसका प्रेशर जो है, इसका ऑयल निकल गया और उसका प्रेशर भी ख़त्म हो चुका है, और इसकी वजह से इसका शॉकर एक बार बैठने के बाद में वापस नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि गाड़ी का जो लोड होता है, जो जैसे गाड़ी कभी ब्रेकर पे उतरती है, कहीं भी उतरती है, तो शॉकर में जब प्रेशर होता है तो वही गाड़ी को तानता है और गाड़ी की जंपिंग को कंट्रोल करता है। तो शॉकर जो ख़राब होने की वजह से ही इसमें कुछ आवाज़ें और थी, क्योंकि ये यहाँ पर आपको दिख रही होगी लीकेज है काफ़ी, ऑयल इसका निकला हुआ है इधर से, तो लीकेज होने की वजह से इसका सारा प्रेशर ख़त्म हो गया है। और अभी हम आपको नए शॉकर का भी प्रेशर दिखाएंगे कि नया शॉकर दबाने के बाद में जैसे ही इसको छोड़ेंगे तो 3 सेकंड में पूरा शॉकर की रॉड जो है पूरी बाहर आना चाहिए। तो अभी नया शॉकर भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमने नया शॉकर मंगा लिया है, गैब्रियल का ओरिजिनल है दोस्तों, और अभी इसकी जो रॉड है ये हम आपको इसे दबा कर दिखाएँगे, दबाओ इसे। तो इसको अभी हम पूरी तरह से दबा रहे हैं, काफ़ी दबाने के लिए पूरी ताकत लगाना पड़ रही है, और इसको जैसे ही छोड़ेंगे 3 सेकंड में पूरी रॉड बाहर आएगी। ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये पूरी रॉड जो है
इसको 3 सेकंड लगे और 3 सेकंड के अंदर पूरी रॉड बाहर आ चुकी है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल नया शॉकर है, इसमें नया प्रेशर है। और ये शॉकर की प्राइस है, जो फ्रंट शॉकर हमने अभी आपको दिखाया था, ये उसकी MRP प्राइस है। गैब्रियल कंपनी का ओरिजिनल शॉकर है, 3,463 रुपये का एक शॉकर आता है ये, और बहुत अच्छा शॉकर है। और ये कंपनी काफ़ी गाड़ियों के शॉकर बनाती है। और ये दूसरे वाले शॉकर की प्राइस है राइट साइड का, और वो जो अभी दिखाया था वो लेफ्ट साइड का था, ये राइट साइड का है, पर उसकी MRP प्राइस एक ही है, 3,463 रुपये। तो ये भी गैब्रियल का। और दोस्तों, इसकी जो फ्रंट डिस्प्ले जो है, ये हमने ख़राब मशीन पर भेज के इनको फ्रेश करा लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले जो इस पर ठोकर बनी हुई थी, ऊंची नीचे टेपर बने हुए थे, वो बिल्कुल से साफ़ कर दिए हैं। और बाहर की साइड में यहाँ पर जो टेपर बना हुआ था, ठोकर सी थी, तो वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अभी डिस्प्ले जो है, इसकी दोनों तरफ से हमने इसको पॉलिश करा दिया है, इसके जो भी लाइनिंग थी, स्क्रैच थी, वो सभी साफ़ करा दिए हैं। और इस पर जो ठोकर बनी हुई थी, बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो अब क्या होगा कि ये बिल्कुल एक सी हो गई है, और जो इसके ब्रेक पैड हैं, उनको हम घिसकर रेगमाल से एक सा कर देंगे, तो इस पर अब ब्रेक पैड की पकड़ जो है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से इस पर आएगी। जैसे ही ब्रेक का पैडल प्रेस करेंगे, तो ब्रेक पैडल दबाने के बाद में ब्रेक पैड जो है इस पर पूरी तरह से अपनी पकड़ बनाएगा, और जब पकड़ इस पर अच्छे से बनाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इसके ब्रेक भी जो हैं बढ़िया लगेंगे। तो दोस्तों, अभी ये सभी पार्ट हमने लगवा दिया है, इसकी ब्रेक डिस्क भी लगवा दी है, ये आप देख सकते हैं। और इसके ब्रेक पैड हमने पुराने ही लगाए हैं, जो आपको दिखाए थे, क्योंकि ओरिजिनल पैड हैं महिंद्रा के, और बिल्कुल नए हैं अभी, क्योंकि उन पर कुछ भी ख़राब हुआ नहीं उसके अंदर। तो ब्रेक पैड हमने पुराने लगा दिए हैं, और इसके शॉकर वगैरह जो भी सस्पेंशन का पार्ट जो था, जैसे हमने इसके शॉकर चेंज किए हैं, इस बैलेंस रॉड के बुश चेंज किए हैं, स्टीयरिंग रैक का रबड़ वाला बूट चेंज किया है, और इसकी लिंक रॉडें ये जो लगी हुई हैं, ये लिंक रॉडें चेंज की हैं, और शॉकर नया लगाया है। शॉकर के अंदर की जो बुश किट जो होती है, जो स्टड किट कहलाती है, शॉकर स्टड किट, वो हमने नई लगा दी है। बाकी चिमटों के बुश वगैरह वो हमने पुराने ही लगाए हैं इसके अंदर, और शॉकर जो है हमने नए लगवा दिए हैं। चिमटे के बुश दोनों चिमटे के बुश जो हैं वो पुराने लगाए हैं, और एक साइड का चिमटे का जो बिल जॉइंट कटा हुआ था, जिसकी हमने आवाज़ सुनवाई थी, वो भी हमने चेंज कर दिया है। बाकी एक साइड का बिल जॉइंट पुराना ही है। तो ये महिंद्रा XUV500 है, ये हमारे पास में हरिद्वार उत्तराखंड से आई है, 280 किलोमीटर दूर से काम होने के लिए। तो अभी दोस्तों, हमने इसका आगे वाला सस्पेंशन तो पूरा फिट करवा दिया है, और अब हम खुलवा रहे हैं इसका पीछे वाला सस्पेंशन, क्योंकि पीछे वाले सस्पेंशन का ये सभी पार्ट जो हमने खोले हैं, तो इसके भी बुश वगैरह सभी कट गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस अच्छा नहीं था। और गाड़ी जब 5-6 सवारी जब पूरी गाड़ी में जब बैठ जाती थी, तो गाड़ी जो है काफ़ी खटर पटर की आवाज़ें इसमें होती थी। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये इसकी रोटो के जो बुश हैं, ये आपको दिख रहे होंगे वीडियो में, यहाँ पर ये भी कट चुके हैं। तो ये बुश कटने की वजह से गाड़ी का बैलेंस जो है पूरा ख़राब हो रहा था, और इसका अलाइनमेंट भी जो है नहीं रुक पा रहा था। तो इसके जो सभी हम चेंज करेंगे, तो अभी सस्पेंशन के सभी रॉडे, सभी चिमटे वगैरह सभी हमने खुलवा दिए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर से हमने जो जितनी भी इसके अंदर जो चिमटे वगैरह, इसकी रॉटे वगैरह लगी होती हैं, और इसके शॉकर, ये सभी पार्ट हमने खुलवा दिया है पीछे। तो ये सभी पार्ट खोलने के बाद में, और ये रही इसकी बैलेंस रॉड में जो लिंक रॉड जो लगी होती है, ये भी हम चेंज करेंगे। और इसके बैलेंस रॉड के बुश जो अंदर साइड में लगे होते हैं, ये दोनों बुश भी हम चेंज करवाएंगे, एक इस साइड लगा है और एक दूसरी साइड में, तो ये दोनों बुश भी हम चेंज करवाएंगे इसके। और दोस्तों, अभी जो हमने पीछे वाला सस्पेंशन पूरा जो खोला था, तो सस्पेंशन के सभी बुश जो हैं हम यहाँ प्रेस मशीन पर लेकर आए हैं, तो पुराने बुश निकाल कर और नए वाले बुश प्रेस मशीन से लगवा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो सभी बुश जो हैं प्रेस मशीन से निकलवाना होते हैं, और प्रेस मशीन से ही लगवाना होते हैं ये सभी। तो ये सारा काम अभी कंप्लीट होने के बाद में, सारे बुश लग जाने के बाद में, हम ये सभी बुश ले जाकर, सभी रॉडे ले जाकर, ये इस कार में, महिंद्रा कार में, इसमें XUV में फिटिंग करवाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला बुश जो अभी हमने लगवाया है, तो सबसे पहले तो इस मशीन से हमने इसको निकलवाया पुराने वाले बुश को, और नया वाला बुश जो है ग्रीस लगा कर हमने इसमें लगवा दिया है। तो दोस्तों, सारे के सारे बुश जो हैं हमने नए वाले इसमें लगवा दिए हैं, और पुराने वाले सारे निकलवा दिए। तो ये सारे जो नए बुश जो हैं वो ग्रीस लगाकर लगवाना होते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो आसानी से बुश बैठ जाता है, दूसरी बात जल्दी जंग भी नहीं पकड़ता है। तो सारे बुश हमने लगवा दिए हैं, और अभी सारी की सारी फिटिंग हम
ये सारे जितने भी पार्ट हैं ये सभी कार में अभी फिटिंग करवाएंगे। और इसके जो रियर शॉकर हैं ये रियर शॉकर भी चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये हमने रियर शॉकर हमने मंगवा लिए हैं जो कि इस डिब्बे के अंदर आए हैं। एक डिब्बे में एक शॉकर आता है और ये XUV 500 का है और इसकी MRP प्राइस आप देख सकते हैं 2,317 रुपए की MRP है। और ये मॉनरोव कंपनी के ओरिजिनल शॉकर हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इन शॉकरों का और काफ़ी सस्ते कम प्राइस में होते हैं और ओरिजिनल शॉकर हैं ये। तो ये कंपनी मॉनरोव और गैब्रियल ये दोनों कंपनी जो हैं सभी कारों के ओरिजिनल शॉकर बनाती हैं। तो अभी ये शॉकर हमने दोनों नए मंगवा लिए हैं और ये दोनों शॉकर हम अभी इस कार में फिटिंग करवाएंगे। इसके अंदर इसका जो स्प्रिंग है शॉकर का कॉइल स्प्रिंग वो भी लगवाएंगे और इसकी शॉकर की जो स्टड किट है वो भी लगवा कर इसको रेडी करेंगे और इसके बाद में हम कार में फिटिंग करवा देंगे। तो ये इसके अंदर बुश वगैरह सभी लगा हुआ आता है शॉकर में। तो दोनों शॉकर अभी हमने बाहर निकाल लिए हैं और इसे भी रेडी कर पाएंगे दोनों शॉकरों को। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी सभी फिटिंग जो है इसके अंदर जो इसके चिमटे वगैरह जो इसकी रॉटे वगैरह जो हमने सभी खुलवाई थी जो आरंभ वगैरह वो सभी हम फिटिंग करवा रहे हैं। और ये सभी पार्ट अच्छे तरीके से फिट करने के बाद में और जब सारी की सारी गाड़ी के मतलब जितने भी पार्ट सभी कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में हमें इसका खिंचाव जो है बोल्टों को अच्छी तरीके से दोबारा से चेक करना होता है और बहुत अच्छी तरीके से दोबारा से टाइट करना होता है। उसके बाद हम इसका अलाइनमेंट करा देंगे। तो एक साइड की तो हमने फिटिंग करवा दी है और दूसरे साइड के भी ये रॉडे वगैरह ये हम लगवाएंगे अभी। तो शॉकर हमने ये रहा पुराना वाला शॉकर जो अभी हमने इसमें निकाला है, इसका कॉइल स्प्रिंग निकाल दिया और ये इसका पुराना शॉकर है और इसका ये कॉइल स्प्रिंग है, कॉइल स्प्रिंग यही लगाएंगे और इसकी जो स्टड किट है वो भी हम नहीं लगवाएंगे। तो इस साइड की भी दोस्तों अभी हम फिटिंग करवा रहे हैं सभी और पूरा कंप्लीट होने के बाद में आपको एक बार चेक कराएंगे। तो अभी ये जो रियर डिस्क हैं ये हमने अपने ये हमारे बंटू भाई हैं आंवला में हमारे खराद का बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये अभी खराद मशीन पर डिस्क जो है इसकी इसे हम पॉलिश करवा रहे हैं, बिल्कुल एक सा करवा रहे हैं। जो इस पर टेपर बन गए थे सारे टेपर ख़त्म करवा रहे हैं। और दोस्तों ये रहे इसके रियर वाले बुश जो इसकी रियर नकल जो है जो हब में कंप्लीट लगी हुई होती है तो इसके नकल के जो बुश हैं ये वाले बुश भी हमने इसमें लगवा दिए हैं पर ये बुश बहुत ज़्यादा टाइट थे तो जलाकर निकालना पड़े थे हमें। और ये रहा इसका बील जॉइंट जो रियर में रियर नकल में जो लगा होता है तो ये बील जॉइंट जो है दोस्तों अलग से लेना पड़ता है, ये रियर बुश किट में नहीं आता है। और एक बील जॉइंट की प्राइस लगभग 1659 रुपये की है आज की तारीख में महिंद्रा की। तो ये हमने दो मंगाए हैं क्योंकि इसमें दो नकल होती है दोनों साइड में। तो ये वाला बुश भी हमने इस साइड का लगा दिया है और इसका जो बील जॉइंट जो दूसरा वाला मंगाया था वो ये लगा हुआ है। तो ये जो दोनों बील जॉइंट हैं दोस्तों ये अलग से लेना पड़ते हैं, बुश किट में नहीं आते हैं। 1659 रुपये का एक बील जॉइंट आता है और इसकी जो बुश किट है बुश किट की प्राइस अलग होती है। बुश किट में ये दोनों बील जॉइंट बिल्कुल नहीं आएंगे, अलग से आपको लेना पड़ेंगे कभी भी अगर आप काम कराते हैं तो। और दोस्तों ये सभी बुश हमने कंप्लीट करा लिए हैं, अब हम कार में ये सभी पार्ट जो है सभी फिटिंग करवा रहे हैं और पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सभी पार्ट हमने शॉकर वगैरह और इसके जो सभी लोअर आर्म और इसकी जो रॉडे वगैरह हैं सभी हमने कंप्लीट इसमें करवा रहे हैं, इसमें हो चुकी हैं लगभग। और ये सब कंप्लीट करने के बाद में हम ये कार के जितने भी हमने नट बोल्ट इसके खोले थे तो सारे बोल्टों को एक बार हम दोबारा चेक करते हैं, दोबारा इनको टाइट करते हैं अच्छे तरीके से ताकि कोई भी बोल्ट अगर धोखे से टाइट करने को रह गया हो या ध्यान से उतर गया हो तो हम दोबारा से एक बार इस प्रोसीजर को पूरा करते हैं। तो इसमें जो भी सारे बोल्ट हैं सारे नट बोल्ट सारे के सारे दोबारा हम चेक करेंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके दोनों टायर लगा के और इसके ये कार के अगला और पिछला दोनों अलाइनमेंट चारों पहियों का अलाइनमेंट हम ठीक तरीके से इस पर करवा देंगे। तो जो सभी पार्ट हम लाए थे नया वो हमने नया लगवा दिया और जो पार्ट इसमें सही निकला है वो हमने वही लगवा दिया है। और दोस्तों इसकी जो पीछे वाली जो डिस्क प्लेट हैं रोटर डिस्क प्लेट जो हैं ये भी हमने पॉलिश कराई थी, आपको दिखाया था वीडियो में। और इसके जो पीछे वाले डिस्क पैड हैं वो भी बिल्कुल सही थे और महिंद्रा के ओरिजिनल पैड हैं। तो ये पैडों को हमने घिसकर रेगमाल से
अच्छे तरीके से इनको एक सा कर दिया है और डिस्प्ले भी एक सी हो गई है, तब क्या होगा कि ब्रेक लगाने पे चारों पहियों की जो ब्रेक की पकड़ है वो प्रॉपर तरीके से आएगी, ब्रेक पैड अपनी पकड़ पूरी बनाएगा, जिससे हमारे चारों पहियों के जो ब्रेक डिस्क हैं और उनकी पकड़ अच्छी आएगी, तो हमारे ब्रेक जो हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से लग पाएंगे। तो अभी सभी फिटिंग हमने करवा दी है और सभी फिटिंग करवाने के बाद में अब हम इसके पीछे वाले दोनों टायर लगवा देंगे। और दोस्तों अभी ये सफ़ेद एक्सयूवी जो हमारे पास आई है वाइट वाली, इसकी हम सर्विस करेंगे। और दोस्तों हमारे पास में सबसे ज़्यादा महिंद्रा एक्सयूवी का ही काम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारत के हर एक राज्य से काफ़ी दूर दूर से काफ़ी गाड़ियाँ आती हैं और लोकल की भी काफ़ी गाड़ियाँ हमारे पास में एक्सयूवी गाड़ी काम कराने के लिए आती हैं। तो ये कार जो है दोस्तों अभी हमने पूरी कम्प्लीट कर दी है, आप देख सकते हैं। ये पूरी कम्प्लीट करने के बाद में हमने इसको पूरा रेडी कर लिया और इसकी हमने इंजन की भी सर्विस की थी, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए हम इसकी इंजन की सर्विस इसमें नहीं दिखा पाए हैं। तो इसका हमने जो फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन जो हमने इसका काम किया था वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसकी एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। तो उस वीडियो में जो है दोस्तों मैंने उसमें भी कुछ काम उसमें भी दिखाया है, और ये जो है इसका सेकेंड पार्ट है, क्योंकि अगर सारे काम मैं एक ही वीडियो में जोड़ देता तो ये बहुत लंबी हो जाती वीडियो। तो दोस्तों अभी ये कार हमने पूरी तरह से रेडी कर दी है और रात का समय है, जाड़ों का मौसम है, तो इस समय क्या होता है कोहरा बहुत आ जाता है रात में। तो अभी ये गाड़ी पूरी कंप्लीट कर दी है हमने और अभी ये अपने घर के लिए भी निकल रहे हैं रात में ही। तो ये कार आप देख सकते हैं हमारे दुकान के बाहर रोड पर खड़ी है, और अभी ये इन लोगों का चलने का समय हो गया, तो अभी ये लोग सभी जा रहे हैं। ठीक है भैया, ठीक है भाई। तो दोस्तों आपने देखा ये लोग अभी सारा अपने कार का काम कराकर और काफ़ी खुश हैं, और अभी ये रात में हमसे विदा लेकर जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।